पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि इनमें से नहीं जो इलेक्शन की तारीख आगे बढ़ाते हैं और कागजात नामजदगी छीन कर भागते हैं, हम डट कर लड़ेंगे और जीतेंगे। घड़ी खुदाबख्श में साबिक वजीर आजम बेनजीर भुट्टो की बरसी के इज्तमा से खिताब करते हुए बिलावल भुट्टो ने कहा कि कुछ कुव्वतों ने सोचा कि बेनजीर को ख़त्म करके पीपल्स पार्टी को ख़त्म कर दिया जाएगा, मगर ऐसा ना हो सका। कुछ जमातें आज भी किसी और के कंधों पर सियासत कर रही हैं। सुबह को इन इंकलाबी इंतखाबी मंशूर दे के इलेक्शन लड़ेंगे। हम इलेक्शन को इलेक्शन समझते हैं, हम इलेक्शन को मुकाबला समझते हैं, हम इलेक्शन से डरने वाले नहीं हैं, हम इलेक्शन में डट के मुकाबले करने वाले हैं और इंशाल्लाह ताला इस बार भी हम डट के मुकाबले करेंगे और जीतेंगे। हम उनमें से नहीं है जो इलेक्शन से भागते हैं, जो डेट को एक्सटेंड करते रहते हैं, जो अपने मुखालिफ के नॉमिनेशन फॉर्म्स छीनते हैं। हम तो मुकाबला करना जानते हैं, हमने तो इलेक्शंस तब लड़े हैं जब हम अपने कायदीन को दफन कर रहे हैं, तो तब भी हमने इलेक्शंस लड़े हैं, आज भी हम इलेक्शंस लड़ने के लिए तैयार हैं। ये हमारा ही मुतालबा था के इलेक्शन करो, और आज भी हमारा मुतालबा है कि इलेक्शन करो, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। ये जो ड्रामा मीडिया पे चल रहा है, ये जो ड्रामा सोशल मीडिया पे चल रहा है, पाकिस्तान के अवाम फरवरी 8 को एक मुंह तोड़ जवाब देंगे, तीर पे मोर लगा के तमाम सूबे में तीर पे मोर लगा के अपने हुकूमत बना के अपना आवाम को बचाएंगे, अपने मुल्क को बचाएंगे।